प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निषेध अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई से जुड़ी विशेष अदालत के समक्ष 7000 पेज का आरोप पत्र दायर किया। इस आरोप पत्र में देशमुख के बेटों को भी आरोपित बनाया गया है। ईडी ने इससे पहले देशमुख के निजी सचिव जिलाधिकारी स्तर के संजीव पलांदे और निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ईडी ने देशमुख को इस साल 1 नवंबर को संबंधित मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे न्याय की हिरासत में है। सीबीआई द्वारा इस साल 21 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद ईडी ने देशमुख और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी का मामला यह है कि राज्य के गृह मंत्री के रूप में देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग किया और पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई के कई बार व रेस्टोरेंट से 4,70,00,000 रुपए की वसूली की थी। वाजे की अंटेलिया बम कांड और मनसुख हिरेन की हत्या के मामलों में गिरफ्तारी के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला देशमुख परिवार के नियंत्रण वाले शैक्षणिक ट्रस्ट नागपुर स्थित श्री साई शिक्षण संस्थान से संबंधित है। ईडी के अनुसार पलांदे और शिंदे दोनों ने बेहिसाब कालेधन के शोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गौरतलब हो कि राज्य खुफिया विभाग से दस्तावेज लीक मामले में मुंबई किला कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगा है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को मामले से जुड़े दस्तावेज और पेन ड्राइव 10 दिन के भीतर मुंबई पुलिस को साइबर सेल को सौंपने का आदेश दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।